आप बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। और बुरी खबर ये है कि 11 जुलाई को होने वाली एग्ज़ाम स्थगित कर दी गई है। तो आइए जानते हैं पूरा न्यूज़ है क्या। यहाँ पर देखिए, नई तिथि और परीक्षा कार्यक्रमों की घोषणा जल्द। 11 जुलाई को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित। अब यहाँ पर देखिए विस्तार से न्यूज़ को। सूबे के बीएड कॉलेजों में नामांकन को लेकर 11 जुलाई को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि की घोषणा और परीक्षा से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी जल्द जारी होगी। यह जानकारी स्टेट नोडल ऑफिसर अशोक मेहता ने दी। उन्होंने बताया कि आयोजन तिथि बाद में घोषित की जाएगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा में 136,771 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। इसमें 75,524 पुरुष, 61,238 महिला और 9 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। परीक्षा के लिए राज्य के 11 शहरों में केंद्र बनाए गए थे। इसमें आरा में 9,398, भागलपुर में 10,141, छपरा में 4,576, गया में 15,550, मुंगेर में 4,444, मुजफ्फरपुर में 16,455, पटना में 40,828, पूर्णिया में 8,504 और हाजीपुर में 4,547 परीक्षार्थियों ने केंद्र के रूप में चुना। तो फाइनली आप जान चुके हैं कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2021 जो 11 जुलाई को होने वाली थी वो पोस्टपोन्ड कर दी गई है। और आगे की तिथि जैसे ही जारी होती है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, तो तुरंत वीडियो अपलोड किया जाएगा बीएड से संबंधित कोई भी न्यूज़ को पाने के लिए। इस चैनल से जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।